जमाना कुछ नहीं बोलता है, बोलता है तो सिर्फ किस बात ने बनाई ये चाय। सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे सनातनी परिवार के सभी सदस्यों का इस एक और नए चलचित्र। तो हमेशा की तरह वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाखंडवाद तो बहुत देखा मैंने, पर ऐसा पाखंडवाद कभी नहीं देखा। ऐसा कोई घर बना जो बीम का नहीं, हाँ बीम का नहीं। अगरबत्ती, हुमाद, पूजा पाठ सब किया जा रहा है। अरे कम से कम बाबा साहब को तो पाखंडवाद से दूर रखो। अब्दुल मेरे पैसे कब देगा तू? पैसे लेने हैं तो प्रेम से बात कर। अच्छा प्रेम से बात करना होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो प्रेम, ये अब्दुल बोल रहा है कि पहले प्रेम से बात करता पैसे देगा। करूँ क्या, करूँ इसका क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। तो बात उन दिनों की है जब मैं फायर ब्रिगेड में काम करता था। एक दिन एक नीली कबूतरी का फोन आया, हेलो जल्दी आ जाओ घर में आग लगी है। मैंने कहा ठीक है आते हैं, तब तक तुम पानी डालती रहना। ये बोली बहुत डाल लिया पानी, आग नहीं बुझ रही। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा आके, मैं भी तो पानी डालूंगा ना। क्या करते हैं आप? रिक्शा से रहता हूँ। रिक्शा के अलावा क्या करते हैं? रिक्शा के अलावा पुंडी करते हैं। साले धूप बेगम मारेगी नहीं? कोई बात नहीं, वो कह रहे दूसरी शादी कर लो। आपको पता नहीं है पठान कितनी कितनी शादी करते हैं? चार चार। बस हमने भी चार ही करनी है ना शायद। शर्म करो भोली वालों। और बच्चे कितने पैदा कर? बच्चे इंशाल्लाह बस दो दर्जन पैदा करने हैं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। मेरी बात सुनिए, 24 बच्चे कर लेंगे तो कमाएंगे कहाँ से? एक रिक्शा चलाते हैं बस आप। अल्लाह देता है। आप शादी क्यों नहीं करते? शादी कर लेंगे ना इंशाल्लाह, मैं करूंगी एक से डेढ़ साल के अंदर अंदर। तो बस ठीक है, दूसरी शादी आपसे कर लेंगे। गजब टूबी वाला आदमी। अरे अपना कौन क्या बिगाड़ सकता है, हमारी किस्मत तो उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय भीम। बाबा साहब किस्मत भी लिखते थे, ये बात तो पता ही नहीं थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साबास नीले वायरसों, एक नई खोज की है तुमने। देखिए आपने देखा होगा ये हरे कुर्ते वाला, यही तोता है पिंजरे का, और ये भाजपा के ऑफिस के बाहर आता है, कहता है अखिलेश अच्छा। यादव के साथ मेरा दम घुटता है, मुझे पार्टी ज्वाइन करा। अच्छा अच्छा। इमोशनल डैमेज। लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है इसको। कोई बात नहीं, रिएक्शन तो छोड़ो, ये तो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, इनके कान में बोल गए थे क्या? आपके कान में बोले थे जब वीडियो नहीं है तो कान में बोल गए होंगे। चाचा ने क्या बोला? ये यादव परिवार के आप पोछा लगाते हैं और उसी के पोछे से अपना चेहरा साफ करते हैं। जो इसमें आया और डांट पड़ती है कि तुमने हमारे फर्ज पे जो पोछा लगता है उससे अपना चेहरा कैसे साफ किया, ये इनकी हैसियत है। भारत अंधभक्ति में सबसे आगे है। बाबा साहब एक अच्छे इंसान थे जिनकी मूर्ति बनाई जाती है, जो कि अच्छी बात है, पर बाबा साहब की मूर्ति पर दूध चढ़ाया जा रहा है, ये कैसा पाखंडवाद है, ये कैसी मानसिकता है। अगर यही दूध किसी गरीब बच्चे को दे दिया जाता, किसी कुपोषित बच्चे को दे दिया जाता तो कितना अच्छा होता। भक्त बने, अंधभक्त ना बने। धन्यवाद। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था।
भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। आप देखिए ये लास्ट क्लिप, आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। Broads in the line, just the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies.